नागपूरचे प्राध्यापक विजय बारसे यांच्या जीवनावर आधारित जुंद चित्रपट आज सिनेमागृहात प्रदर्शित झाला आहे. महानायक अमिताभ बच्चन यांनी विजय बारसे यांची भूमिका साकारली आहे. प्राध्यापक विजय बारसे आणि मित्र परिवारासाठी आज विशेष क्षण आहे. विजय बारसे यांच्या सिनेमागृहात येताना भव्य स्वागत करण्यात आले. ढोल ताशांच्या गजरात त्यांचे आगमन झाले आहे. नागराज मंजुळे यांनी जुन चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे. विजय बारसे हे गेल्या 20 वर्षांपासून अशा मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, ज्यांचा गुन्हेगारी जगाशी जवळून संबंध आला आहे. भविष्यात मोठे गुन्हेगार व्हायचं असं ठरवून गुन्हेगार झालेल्या अशा मुलांच्या जीवनात बदल घडविण्यासाठी बारसे यांनी फुटबॉल खेळाच्या माध्यमातून परिवर्तन घडवण्यास सुरुवात केली आहे. कोई भी बात का भी है ज्यादा मेरे साथ पूर्ण नया इसमें हुआ है. आपने जो झोपड़पट्टी फुटबॉल स्टार्ट किया था तब जो हालात थे वो पूरा पिक्चर में आया है. जी हाँ, पूरा बिल्कुल स्टार्ट जो भी था. हाँ. जिस प्रकार से भी मैंने इस मिशन को स्टार्ट किया था, झोपड़ी के बीच में मैं पहुँचा था. आप में से कई पत्रकार ऐसे हैं कि जो मेरे उस समय के साथी रहे, उस समय जिन्होंने बिल्कुल करीब से देखा है, मेरे साथ पार्टिसिपेट किया है. मैं ग्राउंड के अंदर हुआ करता था और पत्रकार बाहर हुआ करते थे. आज की इस समय में वो मेरे साथ नहीं आते. सर, क्राइम की नज़र से जो बच्चे ने देखा है, जो पिक्चर जो आपके लाइफ हिस्ट्री पे बना हुआ है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? इसके बारे में मेरे से ज़्यादा तो आप लोग कहेंगे, इसलिए कि जो कुछ भी एक तो मेरे सोचने से बहुत परे हैं. इसलिए कि इसमें जो नागराज जी ने सिखाया है और अमिताभ जी ने जो भी बताया है, मेरे ख्याल से उनके एक्टिंग से भी ज़्यादा उन्होंने जो बिना एक्टिंग किए और बिना मुंह खोले जो मैसेज दिया है, और वो मैसेज सबके लिए और मेरी दृष्टि से वही मैसेज मैं देना चाहता था, और जो अमिताभ जी के कारण से मैसेज अब सभी तक पहुंचा है. सर, आपके लिए रियल लाइफ की